हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं शी सेड डॉट 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 स्टैंड अप कॉमेडी बाय जाकिर खान, हक से सिंगल। एंड दिस वीडियो इज बाय अमेजॉन प्राइम वीडियो, उनके यूट्यूब चैनल पे आया है एक्चुअली। एंड ये मतलब लिटिल सा एक शॉर्ट सा क्लिप है फ्रॉम द कॉमिसन, जो उनका वन कॉमिसन वाला जो सीजन चल रहा है बेसिकली, तो इसके एक शॉर्ट क्लिप है यहाँ पे। वो भी है कि हक से सिंगल शी सेड डॉट 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 भी है। तो यार जाकिर खान का एवरी टाइम जो भी लाइक स्टैंड अप कॉमेडी देखो या जो भी उनकी वीडियोज देखो, एवरी टाइम दे आर लाइक मजेदार, मतलब मजा आ जाता है। तो वन ऑफ माय फेवरेट वाज वेयर वो AIIB के मतलब बड़े वाले शो में जहाँ उनका हुआ था वो वाला, मतलब सख्ती से रहते हैं पिघलते नहीं ऐसे, वो वाला वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज, मतलब वो वाला मतलब हमने एक्चुअली हमारे चैनल पे देखा हुआ है, मतलब वो देख के तो एक्चुअली वो पहला वाला ही था एंड दैट वन वाज माय फेवरेट। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये हक से सिंगल शी सेड डॉट 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 स्टैंड अप कॉमेडी बाय जाकिर खान। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। I keep buying these books and never have time to read them. Okay. और मैं फुल ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं फुल ध्यान से, मैंने कहा yes, I keep buying this, मैंने कहा yes, tell me what, फिर चाय पियोगे तुम? मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा you what? Mega. Okay, that's it. Mega kya? Mul tum samajh rahe ho? Mega ha. Ke kya karu? Mega kuch nahi, tum mujhe padh ke suna diya karna. Ke ha, yehi karenge hum ab se. Ha ha. Mega kya? Mega acha, theek hai. Theek hai. अब यार 9 बजे से मेरा ऑफिस, 10 बजे तक मराओ वहां पे, खाना खाओ, फिर किताब सुनो, फिर कुछ बीच में हो थोड़ा बहुत। अभी भी कुछ हुआ, दिन खत्म हुआ नहीं है। अब ये बताएंगी कि क्या हुआ है कि यू नो व्हाट, इट वॉज लाइक 2 stars मीटिंग, इट वॉज लाइक सोल्स हगिंग ईच अदर। And you know when you touched me, the sky was this and the moon was that and the stars were this and the cloud was that and there was the ray of moon penetrating the clouds and falling on the window. Oh, bhai sahab. Nonchalantly touched your cheek. Oh. No matter how poetic it may sound. Par 4 baj rahe hain. और नींद आ रही गंदी। और एक होता ना कि तुम्हारी आंखें झपकती, मेरी गर्दन गिर रही यार। अरे और ऐसे में नॉनशेलांट का चांटा। अरे मैंने कहा ये क्या हो, मेरी नींद खुल गई, मैंने कहा ये क्या कह दिया इनने, मैंने कहा ये क्या होता है नॉनशेलांट, मैंने कहा मैं बाथरूम में से 2 बार यूज करे, तीसरी बार पूछ ले तो। मैं बाथरूम में गया, मैंने निकाला फोन अपना, मैंने कहा नॉन चलांट मतलब ही निकल गया उसका। गूगल भी खड़ा हुआ साइड में। मैंने कहा बताना, मैं कहा अरे, मैं कहा बताना, कहता नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों, कहता स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है। अरे मैंने कहा 25 बार ट्राई किया होगा, मैंने कहा कुछ आसपास का हो तो बता देना, कहता भाई आसपास का होता मैं खुद ही डिड्यूमिन करके पूछ ले। मैंने कहा ठीक, मैं कहा ढूंढता हूँ मैं कुछ और करता। भाई 25 ट्राई के बाद उनने आगे से कहा कि सुन नॉन छलान ढूंढ रहे हो, मैंने कहा हाँ, बोले अरे तो SH क्यों लिख रहे सीच, मैंने कहा यार तो बताना यार, ग्रामर जज कर रहे हैं हमें, बता दो क्यों नहीं। भाई 25 मिनट हो गए,
मेरे दिमाग में अभी नॉन चलान का मतलब मिनिमम यूनिकॉर्न की टट्टी होना चाहिए। क्या क्या कितना एफर्ट चला गया इसमें भाई, 2G में कैसे जैसे करके खुला वो मतलब निकल के आया एफर्टलेसली। मैं कहा एक मिनट एक वर्ड दुनिया में जिसका ये मतलब नहीं हो सकता है वो है नॉन फकिंग चलांट। ये बहुत ज्यादा सही था, कुछ भी बोलो यार। मतलब मेरा अमेज़न भी अभी अभी खत्म होने को आया है, मतलब खत्म होने को आया क्या, खत्म हो गया है। और मेरे को भी लाइक ये शो देखना है, मैं देखती हूँ यार ये स्टैंड अप कॉमेडी इनका जो होता है। एंड आई मस्ट से एक्चुअली ऐश्वर्य मोहनराज का भी मतलब उनका भी आया था वन, मतलब एक देखा मैंने, ये वाला भी मतलब देखना है यार अभी, लेकिन क्या करे कुछ कर भी तो नहीं सकते है ना। और आई गेस जनवरी 14 या मतलब कभी ऐसे जाकिर का पुणे में एक शो है, बट मेरे को उसके टिकट्स नहीं मिले क्योंकि देर ऑल बुकड, और थोड़ा उसके ज़्यादा से महंगा लेके लेने के लिए कोशिश करो तो भाई पैसे नहीं मेरे पास है ना उतने ज़्यादा। लेकिन ये वाला आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मतलब कई आई नो दैट लड़कियाँ मतलब होती है मेरे जैसे भी जो यार सिंपल वर्ड्स में सारा सब कुछ बता देती है, और कुछ ऐसे लड़कियाँ होती है उनको मतलब स्पेसिफिकली हैवी वर्ड्स लेके एक्सप्लेन करना होता है एक बात को। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी लाइक इन 10th स्टैंडर्ड, उसको लाइक सिंपल सी भाषा में अगर मतलब कुछ ऐसे लिखना हो, कुछ लिखना हो मतलब या हमें कुछ कॉन्वो काइंड ऑफ या डिबेट करना हो, कुछ ऐसा होता था ना प्रोजेक्ट में ऐसा सब कुछ क्या करके आओ, ऐसा करना है तुमको, परफॉर्म करना है क्लास में, तो हम तो भैया सब ऐसे कुछ होता था कॉन्वर्सेशन ऐसे काइंड ऑफ, वी वेयर लाइक सिंपल वर्ड में जो भी मतलब आसान तरीके से पूरा क्लास को समझ में आ जाए वैसा लिखते थे। ये हमारी लाइक व्हाट वी कैन से क्लास मेड, ओ भाई इतने ज़्यादा गूगल से कहाँ से ढूंढ के लेके आती थी वर्ड्स, ये मेरे को तो नहीं पता, लेकिन वो सुनते सुनते हम हो जाते थे यार मतलब कहाँ से ढूंढ के लाए हो मैडम आप, मतलब हमें भी बताओ। खतरनाक भैया मतलब वो लड़की से मतलब, और एक बार हुआ है ऐसे कि हमारा वो डिबेट काइंड ऑफ वो चलता है ना, वो मतलब कैसे मतलब मैम एक बार दे देती है कि चलो भैया इस पे डिबेट करो आप, वो हमारे ग्रुप में आ गए थे डिबेट के लिए। तब तो हमारे एक्चुअली हम 4 लोग थे लाइक 4 गर्ल्स ऑफ अस, मतलब उसमें वो थी हम जो कुछ भी डिबेट में पॉइंट लिख रहे हैं शी बी लाइक नहीं नहीं यार ये पॉइंट है ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हैवी वर्ड्स क्या हैवी वर्ड्स घुसाने भैया, वहाँ पे लौंडों को समझ में नहीं आता तुम यहाँ पे लाइक बोले जा रहे हो कुछ भी चिलॉन्टलेसली वर्डलेसली। लेकिन ये वाला ना मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा यार, यहाँ पे एकदम बढ़िया सी मजा आ गया यार आज तो, मतलब वो जो 10th स्टैंडर्ड का या 9th स्टैंडर्ड का जो भी पुरानी यादें थे ताज़ा हो गया इसके बारे में, और मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया। So that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।